हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज हम बात करेंगे वैलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में बता रहा हूं, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना है प्लीज़ अपना डिटेल्स अवश्य कर लें। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शेयर में क्या क्या बिजनेस दिख रहा है। तो इसलिए एक सेकेंड मिनट के प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या सेगमेंट में है ये बिजनेस में। बेसिकली दे आर मेकिंग द केमिकल सेक्टर में है, और दे आर मेकिंग केमिकल फॉर एग्री पर्पज, एंड दे आर मेकिंग द केमिकल फॉर डाई, दे आर मेकिंग द केमिकल फॉर पिगमेंट्स, दे आर मेक मेडिकल, दे आर मेकिंग द केमिकल्स फॉर फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक के लिए बनाते हैं, और ये आपके स्पेशली केमिकल भी बनाते हैं, जो मेडिकल में जो पॉलीमर बनते हैं वो भी बनाते हैं, और ये खासकर वेटनरी डिपार्टमेंट में जो केमिकल बनते हैं वो सारे केमिकल बनाते हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और बिजनेस काफ़ी ग्रो है फ्यूचर में, क्योंकि इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं होने वाली। ये सब कंजम्पशन की चीज़ें, चाहे एग्रो हो, चाहे डाइज हो, चाहे आपके पिगमेंट्स हो, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, या फिर आपके वेटनरी डिपार्टमेंट में हो, वेटनरी मतलब गाय भैंस जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए पॉलीमर हो, या फिर आपका ये स्पेसिफिक केमिकल तो बढ़ ही रहा है, कॉस्मेटिक का उपयोग तो बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में है कंपनी, काफ़ी अच्छा कर रही है। एंड अब हम पढ़ लेते हैं और भी क्या क्या पॉइंट मुझे अभी नज़र आ रहे हैं बेसिकली। एंड तो ये बिजनेस है, यहाँ पर दिया गए सारे पॉइंट दिए गए हैं, एंड अगर आप चेक इट आउट करना चाहें तो आप इन सब चीज़ों को चेक इट आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने फुल वीडियो बना के रखा है बेसिकली, अगर आप चेकलिस्ट में जाएंगे ना प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा वहाँ से वीडियो। कंपनी की अभी मार्केट कैप सिर्फ कितनी है, 1398 करोड़ मार्केट कैप है सिर्फ ओनली। कंपनी का शेयर काफ़ी कुछ गिर चुका है, करंट प्राइस 515 है और स्टॉक का 52 वीक का हाई 960 और 355 लो गया है, 355 तक गया है। और इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक का P 19.2 है और इंडस्ट्रीज का P 27.5 है, मतलब उससे काफ़ी सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू 230 रुपये है, डिविडेंड भी देती है। ROE बहुत अच्छे हैं 1398 करोड़ की कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो ये बाकी के पॉइंट थे, अब हम बात कर लेते हैं इनके जो हमको मेन पॉइंट जो देख रहे हैं। रिजल्ट देखेंगे आप तो दिसंबर के रिजल्ट आए हैं, मार्च के रिजल्ट अवेटिंग हैं, आने वाले हैं। और सेल्स अच्छी है, 218 करोड़ की सेल्स हुई है इनकी और 28 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट 19 करोड़ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत गिरा है और उसका रीज़न भी क्यों है, क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में चल रही है, कंपनी अपने आप को विस्तार काफ़ी कुछ कर रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखें तो सेल्स इज हाईएस्ट एवर। जब सेल्स हाईएस्ट एवर है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे गिर गए, उसके रीज़न है कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन प्लान से चल रही है, काफ़ी विस्तार कर रही है, उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है वो कैसे पता लगेंगे। वो ऐसे लगेंगे अगर आप यहाँ पर आएंगे या बैलेंस शीट में आएंगे तो शेयर कैपिटल इनका 28 है और रिजर्व इनके पास 596। इन्होंने बोरिंग काफ़ी कम कर दी है मार्च से लेके और सितंबर 2022 तक, तकरीबन 50 करोड़ इनके पास बोरिंग कम हुई है। बट इनका फिक्स असेट लगातार बढ़ रहा है, 509 से 515 हो गया, अभी 133 करोड़ इनके फिक्स असेट में अंडर प्रोसेस में। जितनी कंपनी की मार्केट कैप उसका 10% इनका फिक्स असेट में अंडर प्रोसेस में है। जब ये आएगा तो इनकी सेल्स और बढ़ेगी। अभी जो जो फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं अंडर प्रोसेस में, वहाँ पे जो पैसा और भी खर्च होते हैं तो वो इसी एक्सपेंस से मान लिया जाते हैं जिस जो आपके पर्टिकुलर चल रहे हैं, इसलिए इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए कंपनी थोड़ा सा स्ट्रेस में है। मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रेस में नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है और 133 करोड़ का वर्क इन प्रोग्रेस बहुत मायने रखता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, 38.41 हो गए हैं। DI इसमें, FI इसमें है नहीं, DI थे तो ज़्यादातर माल जो है ना वो पब्लिक के पास है और पब्लिक में भी स्ट्रॉन्ग हैंड ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, मेनली ये शेयर मैंने जो बनाया है, तकरीबन अगर आप देखेंगे ना करंट प्राइस से इसको बहुत अच्छा इसको मिल सकता है। इट कैन बी लाइक ए मल्टी वैगर, अगर आप देखेंगे ना जो टॉप इसने हाई मारा था, दिस इज द अभी जो ट्रेड कर रहा है वो इस लेवल पे कर रहा है। अगर हम इससे अभी देखें ना तो तकरीबन ये बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तकरीबन मतलब 3 गुना पैसा करने का पूरा चांस है यहाँ से, 3 times मनी का। और बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें ऊपर जाएंगी जब इनकी प्रोसेस हो जाएगी कम्प्लीट, तो वहाँ से इनकी सेल्स प्रॉपर आ जाएंगी तो इनके रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे और ओवरऑल मार्केट अभी डाउन है, इस चक्कर में भी ये सब चल रहा है।
बट अगर इसका आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट लेना चाहें तो दिस इज़ द शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है मेरे हिसाब से, ये जो आपका 1,000 रुपये के आसपास है, 1,041, तो यहाँ से तकरीबन 100% का रिटर्न तो आपको यहीं से मिल जाएगा। वन जीरो 5%, तो अगर आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, बट अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें। मेरे हिसाब से इसका एक तो 1,000 रुपये पहला पहला टारगेट रहेगा, फिर इसका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो सेकंड टारगेट दैट विल बी दिस वन रहेगा, सेकंड टारगेट ये इसका 1,300 1,350 के आसपास रहेगा, फोर्थ टारगेट इसका ये रहेगा 1,567 1,550 के आसपास, और फाइनल टारगेट जो रहेगा वो इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जाएगा शेयर मेरे हिसाब से, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल हिसाब से चल रहा है, काफ़ी कुछ ग्रो है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वैलिएंट ऑर्गेनिक। आई थिंक आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ से 3 गुना करने का पूरा पूरा मौका है, बट आप कृपया अपना ड्यू डिलिजेंस अवश्य कर लें। ये सिर्फ मेरी समझ है जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एवं शेयर भी करिए। टिल देन टेक।